अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, बर्ड फ्लू को लेकर किस राज्य ने पड़ोसी राज्यों से पोल्ट्री के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तराखंड या डी गोवा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। मुंगेर के बरियारपुर थाने में शूट आउट। मुंगेर के बरियारपुर थाने में सोमवार की देर रात ड्यूटी पर तैनात जवान मोहम्मद जाहिद ने अंधाधुन गोली चलाकर अंत में आत्महत्या कर लिया। अचानक से थाना परिसर में गोली चलने की आवाज से जहां पूरा इलाका दहशत में आ गया, वहीं थाने में जवान, अधिकारी और अन्य ने नक्सली हमले की आशंका को समझा, जिसके बाद लगातार थाने में 50 राउंड गोली चली। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और डीआईजी सफी हक बरियारपुर थाना पहुंचे। वहीं इस बात की जांच की जा रही है कि होमगार्ड के जवान के पास AK-47 हथियार कैसे आया। मृतक होमगार्ड जवान के बेटे के अनुसार उनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। पेट में गैस की शिकायत से परेशान जवान ने थाने में अधिकारियों से इलाज के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं देकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। बेटे ने बताया कि 2 दिन से वो अपने माँ के साथ थाने में छुट्टी दिलवाने के लिए अधिकारियों से बात कर रहा था, जिसके बाद उसे मंगलवार को छुट्टी देने की बात कही गई थी, लेकिन सोमवार की देर रात ही थाने में शूट आउट दिखाकर उनकी हत्या कर दी गई है। वहीं डीआईजी सफीउल हक ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि थाना में नक्सली ने अटैक कर दिया है। इसी को लेकर अन्य पुलिसकर्मी ने भी अपने बचाव में 50 राउंड दोनों तरफ से गोली चलाई और होमगार्ड की मृत्यु हो गई। तब पुलिसकर्मियों ने मृतक की पहचान की तो वह होमगार्ड जवान निकला। इस मामले में दोनों तरफ से बयान ली जा रही है, फिर नतीजा सबके सामने निकल कर आएगा। भागलपुर में रहते हैं, हमारा घर भागलपुर है। हम तो यहाँ कल भी आए थे सर से छुट्टी लेने के लिए, उनकी तबीयत खराब थी, पेट में गैस होता था तो दर्द होता था। तो हम सर के पास आए तो हम मम्मी आए थे दोनों को, सर तबीयत इनका खराब है, 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, हम दवाई वगैरह करा के डॉक्टर के चेकअप करवा के हम ला दे देंगे सर। उनके बाद वो बोली इतने अच्छे खासे तो हैं ही, तुम चाहते हो क्या ये तबीयत खराब हो जाए, ऐसे हो वैसे हो जाए। तो हम सर को बोले सर देखिए तबीयत खराब नहीं है, तो आप देखिए दवाई भी वहाँ का चल रहा था। हाँ बोली ने तो फिर उनके बाद हम बोले कि सर दे दे, तो फिर क्या बोली छुट्टी उट्टी नहीं दे सकते, तुम जाओगे यहाँ से, मेरे नज़र से दूर हो जाओ, तो तुमको यहाँ से हम धक्के मार के निकाल देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। फिर हम बोले सर देखिए सर, तो फिर बोली क्या कि नहीं बाहर गया हो ऐसे वैसे, हम उनको नहीं दे सकते छुट्टी। तो फिर बोले क्या फिर तुमको छुट्टी लेना है तो बोलो हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यहाँ से छुट्टी ना रहेगा नौकरी ना तुमको आना की जरूरत पड़ेगी, कभी ना तुमको फिर जॉब ही नहीं मिलेगा। उतने के बाद फिर बोली क्या कि 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए। फिर गैस का पेट में दर्द था, मेरे को फ़ोन किया था कि देखना मेरे गैस में पेट में बहुत दर्द है, तुम दवा लेके, हम मुंगेर जा रहे थे दवा लेके आए तो बोला सर देखिए दरोगा वहाँ पर बैठे हुए थे, हम उसके पास गए, बोला देखिए सर मेरे पास चिट्ठा है दवा का, आप 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, ये 5 दिन के लिए हम इसका दवा वा करा के हम खुद ला के सर इसको पहुंचा देंगे। वो बोले इसका अच्छा खासा आदमी है, आप इसका बीमारी का मनाते हैं पत्नी होके। हम बोले कोई अपने पति का ऐसा नहीं मनाता है कि मेरे पति का तबीयत खराब हो जाए। तो बोले इसकी ठीक है, अगर ज़्यादा करोगी तो हम सस्पेंड कर देंगे, इसको नौकरी कभी नहीं मिलेगा। हम तीन वो उधर होगा बैठा हुआ था, वो कहाँ नजर आ रहा, वो नजर है ना मेरे को आ रहा, सिर्फ हम पार्क का पूछ लेते तुरंत आपके सामने। तो बोले इसकी जो इंचार्ज उनका क्या नाम था, नाम तो बोले 7 दिन के लिए हम छुट्टी दे देते हैं ना, तो चले जाइए आप कल, हम इसको 7 दिन ला पा के ले जाइए, यही सर बोला। और मैं सामने वही बहुत रुकवा था, लगा कोई अटैक हो गया है, उसके बाद लोग इधर से किए, फिर उधर से गोली चली और लोगों ने अपना अपना संभाला, कुछ पता नहीं चलता था, लगता था कि कोई अटैक हो गया है थाने पर। फिर जिससे जो बन पड़ा उन्होंने किया, गोलियां चली उधर से, अंदाजे से
10 गोली चली है होमगार्ड के तरफ से, और फिर इधर से भी गोली चली है, बचाते हुए जान बचाते हुए गोली चली है। इसी फायरिंग में जाकर किसी की गोली लगी है, संतरी उनको जाकर सरेंडर करने के लिए पहचान नहीं हो रही थी, टर्बन वगैरह बांधे हुए थे, पहचान नहीं हो रही थी। संतरी ने सरेंडर करने के लिए कई बार कहा, मोर्चा से बहुत नज़दीक में बाथरूम है, लेकिन कुछ भी ये नहीं हुआ। इसी फायरिंग में जाकर एक आदमी गिरा वहाँ पर। ये है कि कल तकरीबन 12:45 बजे मध्य रात्रि में थाना से विदंतु के माध्यम से और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बड़ियारपुर थाना के ऊपर फायरिंग हो रहा है, लगता है कि उग्रवादी हमला हो गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम लोगों तुरंत हरकत में आए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मेरे नेतृत्व में और आसपास के जो चार थाना थे, चार थाना वर्ग के पूरे दलबल के साथ हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचे। तब तक वहाँ पे निरंतर रुक रुक के फायरिंग चल रहा था, थाना परिसर के अंदर फायरिंग चल रहा था और थाना अध्यक्ष के साथ हम लोग निरंतर सब संपर्क में भी थे। जब वहाँ पे पहुँचे फिर पूरे थाना की घेराबंदी किया गया। आसपास के जो लोग थे, रिहायशी जितने भी घर थे, वहाँ पे लोगों को सुरक्षित बोला गया कि आप अपने कमरों में रहो। सभी छतों के ऊपर पुलिस बल को लगाया गया ताकि किसी की जान माल की क्षति ना हो। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन। भागलपुर के समाहरण न्यायालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी के तहत अब तक किए गए कार्यों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई एवं योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना के संबंध में विस्तार रूप से चर्चा की गई। भागलपुर में फल फूल रहा है गेसिंग का धंधा। भागलपुर में इन दिनों गेसिंग का धंधा जोर शोर से जारी है और जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो हजारों परिवार की खुशहाली मातम में बदल जाएगी। दरअसल निम्न मध्य वर्ग के लोगों को रातों रात लखपति बनने का सपना दिखाकर उन्हें इस धंधे में फंसाया जाता है और धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में लोग आ जाते हैं। गेसिंग के धंधेबाज मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूर को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग, ऑटो चालक, टोटो चालक, रिक्शा चालक को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं बताते चलें कि लॉटरी के तरह होने वाले गेसिंग के धंधे में गरीब लोगों को 12 रुपए के टिकट के जगह 100 रुपए दिए जाने का लोभ दिया जाता है और अभी गेसिंग का धंधा मुख्य रूप से भागलपुर शहरी क्षेत्र के ततारपुर थाना क्षेत्र, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र, इसाचक थाना क्षेत्र, तिलका मांझी थाना और बरारी थाना क्षेत्र के कई मोहल्ले में प्रमुखता से चल रहा है और आने वाले दिनों में अगर पुलिस प्रशासन इस पर लगाम नहीं करती है तो यह गरीबों के जी का जंजाल बन सकता है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आई गर्भवती महिला परिसर में गिरी। भागलपुर एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आई गर्भवती महिला एसएसपी कार्यालय परिसर में ही गिर गई। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर थाने के पुरैनी की महिला जमीनी विवाद संबंधित एक पड़ोसी से विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के क्रम में पड़ोसी ने उक्त गर्भवती महिला को पेट में मार दिया, जिसको लेकर पीड़िता जगदीशपुर थाने गई, लेकिन जगदीशपुर थाने पुलिस ने महिला को फटका कर भगा दिया। वहीं न्याय को लेकर उक्त महिला अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन लेट लतीफी के कारण महिला को अचानक पेट में दर्द होने लगा तो दर्द के मारे महिला कराहने लगी और जमीन पर गिर गई, जहां एसएसपी कार्यालय में मौजूद पुलिस के सहयोग से परिजनों के साथ इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस से आम लोग न्याय का आस कहां और कब रखेंगे। वहीं पीड़िता के परिजनों ने पुलिस और पड़ोस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
कैसे गिरा? कौन मरा? कौन मरा? कहाँ गए? यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ एस पी साहब के पास कल से आए, यहाँ से गए थाना तो वहाँ से बोला कि चलो। हाँ तब कल से हम लोग यहाँ जगदीशपुर से भागलपुर कर रहे हैं, लेकिन केस दर्ज नहीं ले रहा है। क्या मामला क्या था? मामला जमीन का विवाद पहले से ही, कुछ दिन से मारपीट कर रहा था। ये 8 तारीख के वाला दिन इल्जाम लगा कि तुम्हारा भाई ने फोटो भेजा है, अगर मेरा भाई फोटो अगर भेजा है उस नंबर पे कार्रवाई किया जाए तो हम लोग को घर से क्यों भगाया जा रहा है? पूरे परिवार 4 दिन से घर में रहे हम लोग। अगर मेरा भाई है कोई भी हो उसमें कानूनी कार्रवाई किया जाए, मेरे पूरे परिवार को घर से भगा जाए, धमकी दे जाए, गोली मार देंगे हम लोग, एक एक करके खड़ा करके गोली मारेंगे। इतना बेवकूफ आदमी है वो लोग। क्या नाम है? आप लोग पूरा पुरानी को वायर डाटा निकलवा के दिखिए वो आज हम लोग कैसे है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार। घर पुरानी कोई फोटो भेजा, जानिए फोटो भेजा मंगल के दिन से शुरू हो रहा, आज 8 दिन हुआ फोटो भेजा। हम लोग का भाई नहीं फोटो हम लोग नहीं भेजा, कोई फोटो जो भेजा उसके आरोप लगाइए केस मुकदमा जो करना है करिए। और उसको जा करके बोला कि उसका बेटा रोब दिखा रहा कि हम करा हम नहीं हम जो करना है करिए, वो रोब लगा रहा। अब हर साल भी हमको जमीन जगह के बारे में मारा था, रंडी तंडी सब बनाया था, हर साल ऐसे वो करते रहता है जमीन के मामला में रोड के मामला में। हम लोग मजबूर आदमी है, कहते कमाते हैं, हम लोग को कोई सहूलियत नहीं है किसी। कौन है जो ऐसा करता? मोहल्ला का उससे सब डरता, आजम मुकर्रम सब डरता, डर के मारे कोई नहीं कुछ बोलता। पुलिस की पंचायतीकरण वहाँ थाना नहीं गए, थाना भी गए, थाना में मिला हुआ पुलिस की, जाओ जहाँ जाना घर जाओ, कोई नहीं कुछ करेगा, कुछ न करेगा। पुलिस की लड़का को कुटिया देंगे, गोली मारेंगे लड़के को। तुम कौन थाना गए थे? कौन? जगदीशपुर थाना रात में गए, रात में भागलपुर में रह गए, कोई नहीं सुना मेरा। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आए थे डीएसपी के पास, हमारा घर में डूब करके हमको मज्जत करी, बोली कि तुम्हारा बूढ़ी पजामा फाड़ के मारेंगे रोड पर छिड़ा करके, और ना मिले घर में तो गंदी ले करके केवाड़ी गेट सब तोड़ दिया, चचरी बचरी सब तोड़ दिया, थाना का लोग भी दिया। क्या नाम हुआ? मेरा साहिबुल निशा है। घर पुरानी तकिन वाला बड़का बेटा के पास आए। नवगछिया दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में 56 भोग कार्यक्रम आयोजित। श्री श्री 108 दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में मंगलवार को 56 भोग महोत्सव मनाया गया। दिन में माता को 56 भोग लगाया गया, जबकि शाम को भजन कीर्तन किया गया, संध्या समय दीप महोत्सव हुआ, इसके बाद आरती की गई। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आचार्य रामाकांत मिश्र, कौशल झा, सुमित भगत, राजकुमार चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया युवा दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन नवगछिया के कचहरी मैदान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SDPO दिलीप कुमार थे। उन्होंने उपस्थित युवाओं को हौसला अफजाई किया।
कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन SDPO नौगछिया दिलीप कुमार, जिला परिषद नंदनी सरकार, सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। दौड़ प्रतियोगिता में छात्रा में प्रथम स्थान नीतू कुमारी, दूसरे स्थान पर रानी कुमारी, तीसरे स्थान पर तनुजा कुमारी रही, जिसे जिला परिषद नंदनी सरकार ने सम्मानित किया। वहीं छात्र में प्रथम स्थान पर रवि कुमार, दूसरे स्थान पर सुमन कुमार, तीसरे स्थान पर नीरज कुमार थे, जिसे जिला संयोजक पंकज यादव ने सम्मानित किया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पंकज यादव, अनु चौरसिया, नगर मंत्री राहुल राजपाल, अवीश सुजीत कुमार, हर्ष वैभव सहित कई अन्य मौजूद थे। बहुत ही महान व्यक्ति थे, यहाँ तक कि अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को अमेरिका में भी बहुत जोर शोर से फैलाए थे। तो इनके जीवन के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ने का जरूरत है और कुछ सीख सके हम लोग, तो जीवन हम लोग का सफल हो सकता है। जैसे आप लोगों ने आज दौड़ को अपने मेहनत, लगन और अनुशासन से पूरा किया है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो लक्षित होकर के इस दौड़ को दौड़ेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, भटकने का जरूरत नहीं है। हम लोगों के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, घबराने का जरूरत नहीं है, जो मास्टर साहब ने अभी बताया है। तो मित्रों, आप लोग नौजवान हैं, हम लोगों से, मास्टर साहब से, सब लोगों से सीखने का जरूरत है कि हम लोग भी अपने लाइफ में अनुशासित होकर के कोई ना कोई काम किए हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोगों से भी उम्मीद है, बहुत सारे लोग हैं जो समाज में आप लोगों को बरगलाने का, भटकाने का काम करेंगे। हमेशा आप अपने गार्जियन की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो मेरे समझ से किसी दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचते कि वो गलत रास्ते पर चले। कभी कभी हम लोग कमजोर हो जाते हैं और अपने गार्जियन की बात को नहीं मानते, किसी और की बात को मान लेते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं। तो फिर एक बार कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, सबके लिए रास्ता है, सबके लिए जीने और आगे बढ़ने के लिए चांसेस हैं, चांस को अडॉप्ट करिए। कुछ सफल प्रतिभागी हैं, उनसे सीखने का जरूरत है। लगभग 200 लोग इस दौड़ में होंगे, लेकिन कुछ ही लोग सफल हुए होंगे। तो जो सफल नहीं हुए हैं उनके लिए रास्ता बंद नहीं हो जाता है, बल्कि उनके लिए चैलेंज है कि अगली बार वो सफल होकर दिखाएं। जैसे आप दौड़ में आगे बढ़ने के लिए बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया कसरत व्यायाम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, लाइफ में हर काम को करने के लिए इतना ही प्रैक्टिस और मेहनत का जरूरत पड़ता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, सिर्फ लगन से अपने काम को करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू। नौगछिया, सड़क हादसे में नौगछिया अंचल कर्मचारी की गई जान, एक युवक घायल। नौगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर हुए सड़क हादसे में नौगछिया अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी परमानंद शर्मा 51 वर्षीय की जान चली गई, जबकि नया टोला निवासी दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दीपक का प्राथमिक उपचार नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर देर रात ही सबका पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजन को सौंप दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने पूरे मामले की जानकारी ली है और दुख भी व्यक्त किया है। श्री आनंद ने कहा कि अंचल कर्मी श्री शर्मा दोपहर 2 बजे अंचल से हल्का क्षेत्रों के लिए निकले थे। जानकारी मिली है कि परमानंद शर्मा नया टोला के दीपक कुमार की मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर भागलपुर के गुमटी नंबर 12 लालूचक जा रहे थे। साहू पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल में एक हैवा ने पीछे से जोरदार धक्का दे मारा। धक्का लगते ही मोटरसाइकिल पर सवार परमानंद शर्मा सड़क पर गिर गए, जिसके बाद दीपक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो श्री शर्मा की मौत घटना स्थल पर ही हो जाने की बात कही जा रही है। घटना के तुरंत बाद स्थल से हैवा चालक हैवा लेकर फरार हो गया। घटना की बाबत परबत्ता थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं नौगछिया के अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को नियमता मुआवजा देने की बात कही है। नौगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नौगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें
मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया, 10 माह हुए शादी के, ससुराल वाले मांग रहे 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल। पीड़िता अपने परिवार के साथ पहुंची थाने। नारायणपुर के मथुरापुर गांव से दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। अपने पिता के साथ नवगछिया पहुंची महिला। पीड़ित आरती कुमारी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आरती कुमारी ने बताया कि पिछले वर्ष 2 अप्रैल को उनकी शादी खगड़िया जिले के पसरा थाना क्षेत्र के झंझरा गांव निवासी आजाद कुमार से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई और उसके पिता ने हर संभव खर्च किया और उसके ससुराल वालों को उपहार भी दिया, लेकिन जब वह ससुराल पहुंची तो 2-3 दिन बाद ही ससुराल के सभी लोग अपने पिता के घर से दहेज लाने के दबाव बनाने लगे। जब वह कहती थी कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे तरह तरह की प्रताड़ना दी जाने लगी। ससुराल वालों द्वारा 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही है। राम मंदिर पर धन संग्रह के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हुई बैठक। नवगछिया के खगड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड की बैठक की गई, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस अवसर पर बैठक में उपस्थित लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि वे लोग नवगछिया ग्रामीण इलाके में धन संग्रह करेंगे। बैठक में जिला कार्यवाहक मुकुल जी, खंड कार्यवाहक स्नेह जी, गौरव जी, भाजपा प्रखंड महामंत्री धीरज सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्ष कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया, COVID-19 वैक्सीनेशन को लेकर CS ने किया नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में वैक्सीन आ जाएगा और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 3 कमरे को रिजर्व किया गया है। 1 कमरे में लोग वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करेंगे तो 2 कमरे में वैक्सीनेशन किया जाएगा और 3 कमरे में वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आधे घंटे तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा, फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। CS डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि वैसे तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका मामूली साइड इफेक्ट है जो नहीं के बराबर है, फिर भी एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पेयजल, ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में प्रस्तावित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने भागलपुर के CS ने अस्पताल उपाधीक्षक को ससमय सफाई ठीक तरह से करा लेने का निर्देश दिया। CS ने कहा कि हम लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और लगभग सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में आखिरी और विजय दिलवाने वाला कदम है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग में भी रहें। वहीं नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉक्टर वरुण को PSC प्रभारी बनाए जाने के 4 दिन बाद ही उन्हें इस पद से मुक्त कर पुनः अस्पताल उपाधीक्षक को PSC प्रभारी का प्रभार दे दिया गया। आखिर डॉक्टर वरुण कुमार को 4 दिनों के लिए PSC प्रभारी क्यों बनाया गया? इस सवाल पर CS ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याएं थी जिसके पुनः अस्पताल उपाधीक्षक को ही यह जिम्मेदारी दे दी गई। पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं। जांच के निरीक्षण किस क्या सर पाया गया इसमें? नहीं, ये जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन होने वाला है तो जिला में 10 जगह होगा, इसमें एक नवगछिया भी है, तो आज हम लोग जगह सेलेक्ट करने आए हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से किस तरह से जगह हो रहा अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो ई लोग रखे हुए हैं वो ठीक है, उसको हम लोग अप्रूव कर दिया है। उसमें थोड़ा साफ सफाई और व्यवस्था और ये सब जो है सो करनी है, तो अभी समय है, कर लेगा 1-2 रोज में और उसी जगह पर वैक्सीनेशन का काम होगा। किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था रहेगा वहाँ पे सर, सेंटर में किस तरह का क्या क्या व्यवस्था रहेगी सर? 3 रूम का रखना है, एक जो है वेटिंग एरिया रहेगा, एक वैक्सीनेशन का रूम रहेगा और एक जो है सो ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा। 3 रूम यहाँ पर है, सब जगह पीने का पानी का व्यवस्था रहेगा, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करना है, मास्क पहनना है सबको, आप नहीं पहने हुए हैं पहने हुए सर, समझे?
तो मास्क सबको पहनना है, ये सब ध्यान देना होगा, और किसी को कोई रिएक्शन होगा तो उसके लिए दवाई का प्रबंध है ना, किट है ना जी? जी सर, जी सर। दिखाया नहीं हमको? जी जी, दिखाओ, अभी दिखाओ। तो उसका जो है वो सब व्यवस्था यहाँ पर है, जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसमें जिसकी ड्यूटी है, नर्स की भी ड्यूटी है, डॉक्टर की भी ड्यूटी रहेगी, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर रखना है। 24 आवर ड्यूटी रहेगी सर? क्या ड्यूटी कब तक रहेगी? 24 आवर्स भर्ती थोड़ा ही करना है। अच्छा अच्छा, वो तो वैक्सीन लेगा, आधा घंटा उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद में घर जाएगा लोग। वैक्सीन सर कब तक यहाँ उपलब्ध हो जाएगी ऐसा कुछ? 16 को वैक्सीन यहाँ पड़ेगा, तो एक दिन पहले तो कम से कम जरूर उपलब्ध हो जाएगा। अभी वैक्सीन हमारे जिला में नहीं आया। और बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि दवाई उपलब्ध होते नहीं है, और जो मरीज आते हैं उनको बोल दिया जाता है बाहर से दवाई लाइए। अच्छा, और कल भी हंगामा हुआ है, इससे पहले भी हंगामा हुआ है सर, बराबर इस तरह के मामला यहाँ पे आते रहता है। इसके बारे में हम पूछते हैं उनसे, हम लोग साफ सफाई की सर समुचित व्यवस्था तो है ही नहीं सर। आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारा जगह देखेंगे गुटखा फेंका हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है सर। गुटखा फेंकने वाला में तो सफाई कराई है, लेकिन गुटखा नहीं फेंके लोग इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप भी सर यहाँ पे देखिए कोई उस तरह का समुचित व्यवस्था नहीं, आप खुद देख रहे हैं जो फेंके हुए हैं, ये तो आपको पब्लिक का भी नगर भरी है कि गुटखा नहीं फेंकना चाहिए। पब्लिक का ये काम है कि अस्पताल आवे और गुटखा फेंक दे, ऐसी बात तो नहीं है। साफ सफाई में सर पूरी तरह साफ सफाई होनी चाहिए, हम मान गए, लेकिन गुटखा फेंकने वाले पर फाइन कीजिए उन लोगों को, कौन गुटखा खाता है भाई, पकड़ के फाइन कीजिए, 10 लोगों को फाइन कीजिएगा, गुटखा वाला प्रश्न खत्म हो जाएगा। दवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? अक्सर दवाई की कमी होती है। दवाई के बारे में है कि दवाई होगा, जो कमी होगी ये इंडियन करेंगे और हम लोग दे देंगे वहाँ जो है सर। का 4 दिन के लिए प्रभार बनाया गया, उस बीच 4 दिन के बाद हटा दिया गया। हाँ, उस पर हम विचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? आसपास के इलाके में सर लोग जो है विरोध करने लगे हैं कि ऐसा क्या हो गया जो कि 4 दिन के लिए पीएससी प्रभारी। हाँ नहीं, वो कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुई थी, तो वो टेक्निकल गड़बड़ी हम लोग दूर कर लेंगे। नारायणपुर के भंवरपुर में प्रेमी के लिए तोड़ दिया पत्नी ने 7 फेरे के 7 वचन, कहा पति और बच्चे को छोड़ सकती हूँ प्रेमी को नहीं। किसी ने सच कहा है कि प्यार कभी झुकता नहीं, प्यार तो होता है या होता ही नहीं। नारायणपुर के रायपुर के गोरेलाल शाह की पुत्री की शादी 5 साल पूर्व भंवरपुर के सुमनजय शाह के साथ हुआ था, दोनों ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। इस बीच भंवरपुर के प्रीतम चौरसिया का सुमनजय के घर व्यवसाय के सिलसिले में आना जाना शुरू हुआ। आने जाने के क्रम में सुमनजय की पत्नी और प्रीतम की आंखें 4 हो गई। दोनों में मिलना जुलना, मोबाइल पर बातें करना एक दिनचर्या बन गया था। जब पति को इसकी जानकारी हुई तो पति और पत्नी में विवाद हुआ, जिसके कारण सुमनजय ने पत्नी को नैहर भेज दिया, लेकिन नैहर रायपुर जाने के बाद प्रीतम और उसके पत्नी की दूरी बेकरारी में बदल गई, रायपुर से दोनों फरार हो गए। इस मामले में महिला के पिता गोरेलाल शाह ने शादी की नियत से भगाने की प्राथमिकी भी भवानीपुर ओपी में प्रीतम और उसके पिता शंकर चौरसिया के खिलाफ दर्ज कराया। पुलिस ने प्रीतम को गिरफ्तार कर 2 वर्ष के बच्चे सहित महिला को बरामद कर लिया। महिला का धारा 164 का बयान नौगछिया कोर्ट में दर्ज हुआ, जिसमें उसने जज के सामने बोली कि मैं अपने पति और बच्चे को छोड़ सकती हूं, लेकिन प्रेमी प्रीतम को नहीं। इसलिए जज ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। इस प्रकार प्यार के नशे में 2 वर्ष के बच्चे की मां ने पति को ठुकरा कर प्रेमी का दामन थाम लिया। कोर्ट ने प्रेमी प्रीतम को जेल भेज दिया, तो वहीं प्रेमिका को प्रेमी के परिजनों को सौंप दिया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है।
रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट, होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।